कृष्णा, तो भला बहुत लोग कहते हैं कि मारीच ने तो ठीक ही किया ना, प्रभु श्री राम के हाथों मरा। रावण के हाथों मरने से अच्छा था कि वो भगवान के हाथों मरना चाहिए। तो हम देखते हैं इसका जो रामायण में वर्णन किया गया है कि जब रावण आया मारीच के पास दूसरी बार मदद लेने के लिए, पहली बार तो मारीच ने मना किया और रावण मान गया था, लेकिन फिर से दूसरी बार जब सूर्पनखा ने उकसाया रावण को, तो फिर से वो गया मारीच के पास मदद लेने। दूसरी बार मारीच को तैयार होना पड़ा, ये सोचा वो कि इस राक्षस के हाथों मरने से अच्छा है मैं प्रभु के हाथों ही मरूंगा। तो यहाँ तक तो उसका सोच बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम देखेंगे जैसे वो एक सुनहरा सोना का मृग का रूप लिया और सीता माँ को जो उससे आकर्षण हुआ, और फिर सीता माँ ने कहा राम जी को उसे पकड़ के लाइए, और प्रभु राम गए उसको दौड़ाए मृग को, और फिर जैसे तीर मारा, और फिर जब जैसे तीर लगा उसको, मारीच अपना अस्थि रूप में आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे मारीच शांत है, ठीक है मुझे प्रभु के हाथों मुक्ति मिल रही है, प्रभु के हाथों मेरा मौत हुआ है, अब मुझे ऐसे चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तक वो शांत नहीं हुआ। इसके बाद वो चिल्लाता है ज़ोर से, सीते लक्ष्मण, मतलब ये देखेंगे अंत वक्त भी, मतलब जिया तो रावण के लिए, मरा भी रावण के लिए। जब ऐसा चिल्लाया तब फिर सीता माँ को लगा कि मेरे जो राम हैं वो अभी कष्ट में है, तो लक्ष्मण जाओ मदद के लिए जाओ। तो फिर उसके बाद लक्ष्मण जी आते हैं, और सीता माँ का हम सब जानते हैं कि फिर वहाँ से रावण हरण करके ले जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे जटायु को। जटायु हालांकि भगवान के हाथों नहीं मरा, वो रावण के हाथों ही मरा, और वो पक्षियों का राजा था, लेकिन बहुत बूढ़ा हो गया था, तो इतना ताकत उसके अंदर नहीं था कि रावण को हरा सके, लेकिन उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। और हम देखेंगे कि जब मृत्यु स्वयं भगवान ने उनका अंतिम संस्कार किया, भगवान के गोद में भगवान को देखते हुए जटायु ने अपना शरीर छोड़ा। तो हम सभी को भगवान का सेवा करते हुए अपना शरीर छोड़ना है, प्राण छोड़ना है, क्योंकि हम देखेंगे राजा जो है, राजा राजगद्दी में बैठता है, उसका संग जो मंत्री हैं वो भी करते हैं, जो उनका बात मानते हैं, और दूसरा संग उनका मच्छर भी करता है जो राजा को कष्ट देता है। इसी तरह से हम भगवान का सेवा करते हैं, तो मंत्री जैसा कार्य हुआ कि भगवान का हम मदद कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जैसे मारीच ने किया, बोला कि मुझे भगवान के हाथों मरना है, लेकिन रावण का मदद करते हुए मरा, क्योंकि मच्छर जैसा संग का, भगवान को कष्ट दे के मरा। इसलिए भक्त को भले ही असुर के हाथों मरना पड़े, कोई भी कैसा भी कंडीशन हो, लेकिन हमेशा भगवान का सेवा करते हुए अपना प्राण त्यागना चाहिए। तो ये हम देखेंगे जटायु और मारीच में, जटायु को भगवान ने ज़्यादा प्रेम किया, लेकिन मारीच के समय भगवान मार के बस चले गए सीता को खोजने के लिए। तो ये दो विशेष अंतर है जो हमको जटायु से शिक्षा लेना चाहिए। हरे कृष्ण।